हेलो व्यूअर्स सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले व्यूअर्स कैसे हो आप सब मैं मैंने स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे तो आज हम देखेंगे फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म ये क्यों बिकॉज एटीन सेप्टेम्बर को जो आप लोग का एग्जाम हुआ था उसमें फुल फॉर्म पूछा गया था तो आइए एक झलक देख लेते हैं फुल फॉर्म और इसको याद रखिएगा क्योंकि ट्वेंटी वन सेप्टेम्बर को जो आपका एग्ज़ाम है लास्ट एग्जाम है उसमें ये आ सकता है ठीक है क्योंकि एटिन सेप्टेम्बर में के एग्ज़ाम में ये आया था ठीक है चलिए और ये पी का लिंक टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा ठीक है चलिए क्या है कंप्यूटर कंपोनेंट्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स में हम क्या क्या आता है इसमें हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे कंप्यूटर का सबसे पहले देखें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलर यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च ठीक है नेक्स्ट है सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पी एस यू पावर सप्लाई यूनिट एंड जी पी यू ग्राफिक्स कार्ड एंड सी यू कंट्रोल यूनिट ठीक है तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है तो आराम से ध्यान से इसके समझिएगा ठीक है चलिए उसके बाद है मेमोरी फॉर्म मेमोरी फॉर्म में आता है रैम रोम ये सब आता है तो रैम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम का रीड ओनली मेमोरी पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी ई प्रोम का इरेजेबल प्रोम ई प्रोम का इलेक्ट्रिकल ई प्रोम और एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव एस डी डी सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड एफ डी डी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट आईओ का क्या होता है इनपुट आउटपुट ठीक है सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क डी बी डी डिजिटल वीडियो डिस्क बायोज बायोज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एल लाइट इम्बेडेड डायोड एल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नेक्स्ट है यूएस यूनिवर्सल सीरियल बस अब देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो जो फुल फॉर्म होता है जो जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका उसका फुल फॉर्म देखेंगे आइए एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज एल 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 लो लेवल लैंग्वेज ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ठीक है एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसके बाद है एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज सी एस एस कैसिंग स्टाइल सीट जे एस जावा स्क्रिप्ट पी एच पी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर पर्ल पर्ल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है पर्ल प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्टिंग लैंग्वेज जे टू ई जावा टू प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन नेक्स्ट है एस क्यू एल स्ट्रक्चर क्योरी लैंग्वेज और आगे देखेंगे एक्स एस एल एक्सटेंजिबल स्टाइल स्टाइलिप लैंग्वेज ठीक है अब डेटा रेट टाइप्स में जैसे कि नेटवर्क आप लोग इंटरनेट चलाते हो तो डेटा जो रेट होता है उसका एम हो गया के हो गया ये सब का फोटॉर्म क्या होता है तो आइए देखते हैं एम मेगाबाइट्स पर सेकेंड के किलोबाइट्स पर सेकेंड और एक के एक और होता है जिसमें बी कैपिटल होता है यहाँ पे स्मॉल लिखा गया है बी कैपिटल होता है किलो बाइट पर सेकेंड ठीक है बाइट्स और बीट्स अलग अलग है नेक्स्ट है बीपीएस बाइट पर सेकेंड अब है कंप्यूटराइज वैल्यू कंप्यूटराइज वैल्यू क्या होता है कंप्यूटराइज वैल्यू में जो आता है उसको देख लेंगे कंप्यूटराइज वैल्यू फोर बीट्स इक्वल टू वन निबल एट बीट्स इक्वल टू वन बाइट टेन ट्वेंटी फोर इक्वल टू वन किलो बाइट दस सौ चौबीस के इक्वल टू वन मेगा बाइट दस सौ चौबीस एम बी इक्वल टू वन गीगा बाइट दस सौ चौबीस जी बी इक्वल टू वन टेरा बाइट डेट मीन्स टी बी दस सौ चौबीस टी बी इक्वल टू वन पी बी डैट मीन्स पेटा बाइट नेक्स्ट है दस सौ चौबीस पी बी इज इक्वल टू वन एग्जा बाइट डेट मीन्स ई बी एंड दस सौ चौबीस ई बी इक्वल टू वन जोटा बाइट दैट मीन्स जेटा बाइट ठीक है चलिए और है दस सौ चौबीस जेड बी इक्वल टू वन बाइट ठीक है आइए और देखेंगे नेटवर्किंग फॉर्म क्या होता है नेटवर्किंग जितना भी नेटवर्किंग होता है जैसे कि लैन वैन मैन सब ये सब जो होता है उसको आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है आर्पनेट आर्पनेट का होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नेक्स्ट है लैन लोकल एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपोलिटिन एरिया नेटवर्क वैन वाइड एरिया नेटवर्क पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क ये सभी नेटवर्क्स हैं इंपॉर्टेंट नेटवर्क सब है ठीक है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट नेटवर्क है उसके बाद है एन आई यू नेटवर्क इंटरफेस यूनिट ठीक है एन आई सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल टी सी पी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आई पी इंटरनेट प्रोटोकॉल बी पी एस बाइट्स पर सेकेंड ठीक है जी बी पी एस क्या है जी बी पी एस गीगा बाइट पर सेकेंड के एच जे किलो हर्ज ठीक है किलो हर्ज ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल ठीक है एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज होता है ठीक है चलिए डी एच टी एम एल डायनेमिक एच टी एम एल डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ओके और और देखेंगे एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जे एन जी एन यू जी एन नॉट यूनिक्स ये क्या है यूनिक्स नहीं है उसके बाद है एस टी पी सेलडेड पेयर नेक्स्ट है यूटीपी अनसाइलडेड ट्वस्टेड पेयर सी सी कार्बन कापी सी सी में याद रखिएगा एक कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होगा कार्बन कॉपी बी सी सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यू आर एन यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम और डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब दैट मीन्स डब्ल्यू डब्लू डब्लू डॉट और वेबसाइट का नाम जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब चलिए और आगे देखेंगे आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एच टी टी पी हाइपर टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है हाइपर टेक्सड ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट है एफ टी पी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मीम एम आई एम ई मेम जो होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन स्लिप स्लिप जो आपको मिलता है वो बिल का सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल स्लिप पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल टी सी या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट है एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आईमैप इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क टेलनेट होता है टर्मिनल नेटवर्क ठीक है वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ठीक है नेक्स्ट है जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस उसके बाद है सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस डब्ल्यू वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है और देखेंगे इड्स इन्हांसमेंट एड्स का क्या होता है एड इज ए ए का होता है इन्हांसमेंट डेटा रेट्स फॉर ग्लोबल इवेल्यूएशन ठीक है उसके बाद आई आर का होता है इंटरनेट रिले चैट उसके बाद होता है एस एम एस एस का होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस क्लियर नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन फॉर्मेट फाइल एक्सटेंशन कंप्यूटर साइंस में जो फाइल एक्सटेंशन कोई भी फाइल को जब हम सेव करते हैं जैसे कोई वीडियो है तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है डॉट एम कोई ऑडियो है तो उसका फाइल एक्सटेंशन डॉट एम ठीक है पी है डॉट पी चलिए तो वैसे ही है ए आई एफ एफ और डॉट ए आई एफ एफ इसको यूज़ करते हैं ऑडियो इंटरनेट इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट के लिए उसके बाद है डॉट ए यू बेसिक ऑडियो डॉट ए वी आई मल्टी मीडिया ऑडियो वीडियो डॉट सी एस कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल लेंथ फाइल ओपन इन एक्सल में ये होता है ठीक है उसके बाद है सी बी एस डॉट सी एस कैनवास डॉट डी वी एफ डी बेस टू थ्री फोर डेटा ठीक है उसके बाद है डॉट डी आई एफ डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट उसके बाद है डॉट डॉक डॉक मतलब डॉक्यूमेंट फाइल डॉक्यूमेंट फाइल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर विंडोज़ डॉट ई पी एस इनकेप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट डॉट ई एक्ससी पी सी एप्लीकेशन ठीक है डॉट ई में पी सी एप्लीकेशन जो होता है उसमें डॉट ई एक्सी एक्सटेंसन फाइल से सेव होता है ठीक है उसके बाद है डॉट जी आई एफ गिफ्ट जो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट डॉट एच टी एम या और एच टी एम एल तो ये वेब पेज सर्वस पर जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट एडिटर उसके लिए ये, ये यूज किया जाता है एच टी एम एल एच टी एम एल का जो फाइल सेव होता है तो वो डॉट एच टी एम एल से होता है ठीक है चलिए आइए और कोई भी इमेज सेव होता है तो वो जेपीजी होगा जेपीईजी होगा तो भाई जेपीजी पी ये सब क्या होता है एक ग्राफिक्स है जे ग्राफिक्स डॉट मोव एम ओ वी और क्यू टी क्यूब टाइम ऑडियो वीडियो के लिए डॉट एम टी वी मिनी टैब डॉट पी डी एफ एक्रोबैट तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक्रोबैट यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि एक्रोबोट एकोबैट जब यूज़ करेंगे तभी होगा अगर नॉर्मली हम पी डी एफ के लिए देखें तो डॉट पी डी एफ ही होता है ठीक है चलिए पी एन जी प्रोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स डॉट पी पी टी पी पी टी पावर पॉइंट में यूज किया जाता है उसको पावर पॉइंट के फाइल को एक, सेव करने के लिए एक्सटेंशन क्या यूज करते हैं डॉट पी पी टी ठीक है उसके बाद है डॉट पी एस डी एडॉप फोटोशॉप डॉट टी एक्स टी आस्की टेक्स वैल्यू ठीक है उसके बाद है डॉट एक्सएल एस और xlsy एस वाई एक्सेल एस एक्स एक्सल सेपरेट सीट स्पीड ठीक है डॉट जीप पी सी जीप कॉम्प्रेस्ड एड उसके बाद अदर फॉर्मेट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी होंगे और आइए देखते हैं अदर फॉर्मेट में क्या है एन टी एच नोकिया थीम सीरीज 14 में आया था टी एच एम थीम्स सोनीक्सन में आया था सी आर टी कैथोड रेड ट्यूब उसके बाद है डैट डिजिटल ऑडियो टैप उसके बाद है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ये डॉस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज होता है उसके बाद है जी यू आई यूजर इंटरफेस नेक्स्ट है एच टी टी पी हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हो गया है आई पी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये भी हो गया है आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये भी बता रखे हैं वी एच एफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी यू एच एफ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ठीक है और देखेंगे जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस टीसीपी ये भी बता रखे हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है ए ये भी बता रखे हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आईबीएम आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ठीक है आईबीएम एक कंपनी का नाम भी है और आईबीएम एक चैप्टर भी है आप लोग का एक सब्जेक्ट भी है ठीक है एच पी हेवले पैकवर्ड उसके बाद है ए एम तो एम्पलीट्यूड होता है और फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन नेक्स्ट है व्लैन नेटवर्क में ये था ठीक है नेटवर्किंग में था इसका वलैन का क्या होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क उसके बाद है ए वी आई ए वी आई यूज करते हैं किसके ऑडियो वीडियो के लिए ऑडियो वीडियो इंटरलीव फिर है आर टी एस रियल टाइम स्ट्रीमिंग उसके बाद है सिस सिम्बियन ओ एस इंस्टॉलर फाइल नेक्स्ट है ए एम आर एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक उसके बाद है जैड जे डी जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर उसके बाद है जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन क्या होता ये? Java है ये जावा का इंटरप्रेटर है जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन नेक्स्ट है आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नेक्स्ट है ए टी एम एक्सनिस्कर्स ट्रांसफर मोड तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ठीक है और जिनको पी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और डायरेक्टली आपको वहाँ चैनल पे भी मिल सकता है टेलीग्राम चैनल पे भी ठीक है चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और बेस्ट ऑफ लक फॉर आप लोग के एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट एग्जाम ठीक है थैंक यू मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो के लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेलाइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको सही रेगुलर अपडेट मिलती रहे थैंक यू